स्वामी दोस्तों सर क्लास 9 के चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं डिजाइनिंग वेबसाइट्स। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है क्रिएटिंग लिस्ट। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास लिस्ट क्या होता है। लिस्ट हमारे पास वो वे होता है जिसकी मदद से हम डाटा को शो करते हैं, मतलब किसी भी डाटा को शो करने के हमारे पास नंबर ऑफ वेज होते हैं उसको शो करने के, ठीक है। तो हम उनमें से एक हमारे पास होता है लिस्ट। लिस्ट की फॉर्म में हम डाटा को अपने को शो करते हैं। और जब हम वेबसाइट डिजाइन करते हैं तो उसमें हमारे पास टाइप्स ऑफ लिस्ट, नंबर ऑफ टाइप्स हैं लिस्ट की, एक अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट और नेस्टेड लिस्ट। ये हमारे पास चार टाइप्स ऑफ लिस्ट हैं जिसकी मदद से, इन चारों टाइप्स की मदद से हम डाटा को डिजाइन वेबसाइट के में हम डाटा को शो करते हैं। इन चारों, इन जो भी हमारे पास शो होगा HTML में या फिर वेबसाइट में या फिर जो भी हमारे पास वेब पेज होगा वो इन चारों लिस्ट में ही शो होगा। इन चारों लिस्ट की मदद से ही डाटा को शो करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट जैसे कि आप उसके नाम से देख पा रहे हैं कि अनऑर्डर लिस्ट में हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास कंटेंट होता है उसमें कोई तरतीब नहीं होती, कोई भी ऑर्डर नहीं होता, ठीक है। वो किसी भी तरतीब के बगैर होता है, ठीक है। इन अनऑर्डर लिस्ट द ऑर्डर ऑफ द लिस्ट आइटम इज नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। मतलब कि जो उसका जो हमारे पास कंटेंट है, जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, उसका किसी ऑर्डर में होना जरूरी नहीं है, ठीक है। दूसरे पर इसमें यह है उसमें अगर हम आइटम्स को या डाटा को अगर शफल कर देंगे तो उसमें कोई किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास अगर हम लिस्ट शो करना चाह रहे हैं सिटीज ऑफ द पाकिस्तान, ठीक है, तो हम पाकिस्तान की सिटीज में कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। ऑब्वियस अगर वो ये पूछेंगे कि राइट द सिटीज ऑफ द नेम इन असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, तो फिर ऑब्वियस नेम उसे किसी किसी ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर वैसे कह रहे हैं नेम ऑफ द सिटीज ऑफ द पाकिस्तान, तो फिर उसमें कोई भी ऑर्डर नहीं है। अगर हम किसी भी ऑर्डर में उसके बगैर किसी ऑर्डर के उसमें को नाम लिख सकते हैं, सिटीज के नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल इसका लिखेंगे तो सिंटैक्स वो ये है, ठीक है। हम UL के टैग से स्टार्ट करते हैं और UL के टैग से मतलब के बैकस्लैश UL के टैग से हम उसको खत्म करते हैं, ठीक है। और हर लिस्ट में जो आइटम, हर लिस्ट का जो आइटम है जो भी हम उसमें ऐड करना है वो LI जो लिस्ट LI के लिस्ट के साथ उसमें हम उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए हम UL के टैग से इसको इस लिस्ट को स्टार्ट किया, ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट के टैग से। फिर हमने कोई आइटम को ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, LI के टैग से स्टार्ट करेंगे, कोई भी आइटम का नाम लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम LI के टैग से इसको क्लोज कर देंगे। इसी तरह हम जितने मर्जी आइटम्स को उसमें स्टोर कर सकते हैं कोई भी तरतीब किसी भी तरतीब के बगैर, ठीक है। ये हमारे पास होता है अनऑर्डर लिस्ट में। इसमें हमारे पास ऑर्डर भी होता है, इसमें ऑर्डर की जरूरी नहीं होता या डाटा को शफल भी कर लेंगे तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसके बाद अगला हमारे पास है ऑर्डर लिस्ट। अब ऑर्डर लिस्ट में हमारे पास क्या होता है कि इसमें जो भी डाटा हमारे पास होता है, जो भी कंटेंट होता है हमारे पास, उसके एक ऑर्डर में उसका एक तरतीब होता है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल दी कि अगर आपसे पूछेंगे कि पाकिस्तान के शहरों के नाम लिखिए, उस तरतीब के बड़े से छोटे शहर सबसे पहले, मतलब कि बड़े शहर का नाम सबसे पहले आएगा, उसके बाद उससे छोटे शहर का, फिर उससे छोटे शहर का, सबसे पहले कराची का, फिर लाहौर, फिर फैसलाबाद, फिर कोयटा, फिर पेशावर, फिर कोयटा, फिर ऐसा मतलब कि इसी तरतीब के साथ चलते जाएंगे, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट में हमें इस बात का देखना पड़ता है कि किस ऑर्डर के साथ हमारे पास डाटा गिवन है। सपोज अगर आपके अगर हमने फॉर एग्जांपल अगर क्लास में हम स्टूडेंट्स को नॉर्मल नंबर वाइज अरेंज करेंगे तो उनका एक ऑर्डर है, ठीक है। तो जब लेट्स सपोज उसके बाद हम टेस्ट के मार्क्स लाने होंगे या फिर हमें अगर कोई पेपर के मार्क्स खराब करने होंगे तो फिर टीचर रोल नंबर वाइज ही सब स्टूडेंट्स के मार्क्स लगा देंगे। लेकिन अगर हम इस ऑर्डर लिस्ट में डाटा को शफल कर देंगे या वो ऑर्डर नहीं होगा, ठीक है, फिर पॉसिबल है कि किसी और स्टूडेंट के मार्क्स किसी और स्टूडेंट को मिल जाए, ठीक है। तो ऑर्डर लिस्ट में हमारे पास क्या होना है कि ऑर्डर लिस्ट का जो हमारे पास कंटेंट होता है उसका लिस्ट में उसका ऑर्डर में होना होता है, उसका तरतीब में हिसाब होना लाजमी है, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट keeps each list item with an order, ठीक है। किस ऑर्डर से रखिएगा उसमें हम चेंज करेंगे, अगर ऑर्डर में चेंज करेंगे तो सारे लिस्ट का मैंने चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसका भी लिखने का था, ठीक है। अब इसका जो टैग है वो है ol, ऑर्डर लिस्ट टैग से इसका स्टार्ट होते हैं और बैक स्लैश ol के साथ इसको हम एंड करते हैं, ठीक है। और हर लिस्ट का देखिए सबसे पहले हम ऑर्डर लिस्ट ol लिस्ट के साथ इसको स्टार्ट किया, ठीक है। LI लिस्ट के आइटम के साथ हमने कहा था कि हम आइटम को जिस LI के टैग के साथ उसमें ऐड करेंगे, तो सबसे पहले फर्स्ट आइटम को लिखेंगे, LI टैग क्लोज करेंगे, फिर उसके बाद दूसरा LI टैग स्टार्ट करेंगे, सेकंड आइटम का नाम लिखेंगे, उसके बाद हम सेकंड उस टैग को क्लोज करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे ऑर्डर लिस्ट के टैग को ही क्लोज कर देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस तरह हमारा डाटा होगा सारा का सारा एक तरतीब के साथ स्टोर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन लिस्ट।
अब डेफिनेशन लिस्ट में हमारे पास आपको नाम से पता लग रहा है कि इसमें हमें डिस्क्रिप्शन लिखनी पड़ती है, ठीक है। जो भी हमारे पास कंटेंट होगा, जो भी हमारे पास डाटा होगा किसी भी लिस्ट के अंदर, हमें ये बताना पड़ेगा कि उसके अंदर उसके साथ साथ उस जो भी लिस्ट के अंदर आइटम्स हैं उसके साथ साथ उसमें जो जो भी चीज़ है उसको हम डिफाइन भी करेंगे, उसकी डिस्क्रिप्शन भी एक्सप्लेन करेंगे। इट इज नॉन एज डिस्क्रिप्टिव एज नॉन एज डिस्क्रिप्शन इज इट इज यूज टू डिस्प्ले द कंटेंट एज वेल एज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द नीड, ठीक है। लेट्स सपोज अगर हमने कॉफी, यहां हमने कॉफी की एग्जांपल ली, तो हम कॉफी को अगर हमने इसमें ऐड करेंगे, ठीक है, तो हम साथ ही बताएंगे कि ये ब्लैक हॉट ड्रिंक है, ठीक है। हमें बताना पड़ेगा डेफिनेशन इसमें कि कॉफी हमारे पास एक जो हमने हमारे पास इसमें जो कॉफी है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, ब्लैक हॉट ड्रिंक है। उसके अलावा अगर हम मिल्क के दूसरा जो हमारा कंटेंट है वो हमारे पास मिल्क है, ठीक है। तो हमने अगर हमने मिल्क को एक्सप्लेन करना तो हमें बताना पड़ेगा ये वाइट कोल्ड ड्रिंक है या वाइट कोल्ड ड्रिंक है, जो जिस तरह का भी हमारे पास मेन्यू में होगा, ठीक है। तो हमें उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। अब डेफिनेशन इसको हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होते हैं इसमें, ठीक है। डेफिनेशन एक हमारे पास डिस्क्रिप्शन इस वो डिस्क्रिप्शन को बयान डिस्क्रिप्शन को एक्सप्लेन करने के लिए देखते हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरा टाइप है हमारे पास डी टी, वो डिस्क्रिप्शन आइटम जो हमारे पास आइटम है उसको एक्सप्लेन करने के लिए देखते हैं। थर्ड है हमारे पास डी डी, वो जो आइटम है हमारे पास उसकी डिस्क्रिप्शन को अगर हमें डिफाइन कर रहे हैं तो हमने उसको उसके लिए हमने डी डी टैग करना है। देख सबसे पहले हमने डी एल का टैग स्टार्ट किया डेफिनेशन लिस्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया डी टी डिस्क्रिप्शन टाइप आइटम का डिस्क्रिप्शन टाइप मतलब देने के लिए हमने क्या किया कॉफी, अब हमने डिस्क्रिप्शन टाइप का टैग क्लोज किया। उसके बाद हमने इसकी डिस्क्रिप्शन देनी है, ठीक है, जो हमने पढ़ा के डी डी से देते हैं। तो डी डी से हमने क्या किया उसकी डिस्क्रिप्शन दी कि हमारे पास क्या है ब्लैक हॉट कॉफी, ठीक है। तो अब हम उसके बाद दूसरा हमारे पास कंटेंट है हमारे पास है मिल्क, ठीक है। डी डी के साथ उसको ऐड करेंगे हमारे पास डिस्क्रिप्शन एक आइटम है जिसकी हमें डिस्क्रिप्शन देनी है, ठीक है। तो हम डिस्क्रिप्शन टैग क्रॉस किया, उसके बाद हमें इसको एक्सप्लेन करना है कि हमारे पास क्या है, तो हम क्या करेंगे डिस्क्रिप्शन डी डी में साथ हम लिख देंगे वाइट कोल्ड ड्रिंक, हमारे पास जो मिल्क है वो हमारे पास वाइट कलर का एक कोल्ड ड्रिंक होता है, ठीक है। उसके बाद हमने डी एल का टैग को जो हमारे पास डेफिनेशन लिस्ट का टैग था उसको क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है नेस्टेड लिस्ट जो मैं पढ़ा था। अब लिस्ट विद इन अ लिस्ट अगर हमें डिफाइन करना हो, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में लिया उसमें हमारे पास लिस्ट थी, उसके अंदर भी एक हमारे पास लिस्ट एक एक आइटम था, एक कंटेंट था जिसमें हमारे पास कॉफी था, उसके अंदर हमारे पास एक कंटेंट था ब्लैक और ड्रिंक, ठीक है। तो अगर हमें लिस्ट के अंदर किसी लिस्ट को डिफाइन करना हो तो उसे नेस्टेड लिस्ट कर इन अ लिस्ट अ लिस्ट आइटम कंटेन अनदर लिस्ट, ठीक है। अगर आपके पास एक लिस्ट है उसके अंदर एक और लिस्ट उसके जो आइटम था उसके पास उसकी अपनी एक लिस्ट है तो हम उसके नेस्टेड लिस्ट को यूज करेंगे, ठीक है। उसके लिए हमारे पास जो नेस्टेड लिस्ट है उसको यूज करते हैं, ठीक है। इसका स्टार्टिंग का टैग होता है वो है यूएल, ठीक है। यूएल के टैग से हम उसको स्टार्ट करते हैं, जब आप देखें हम एलआई हम पढ़ा था कि एलआई टैग के साथ हम क्या करेंगे आइटम को लिस्ट के अंदर ऐड करेंगे। कॉफी हमारे पास एक आइटम है, ठीक है, और दूसरी हमारे पास आइटम है टी। तो अब हमने देखे हमारे पास दो आइटम था कॉफी और टी। अगर हमें अब टी को भी एक्सप्लेन करना हो कि हमारे पास किस तरह की टी है तो हम बनाएंगे ब्लैक कॉफी या ग्रीन टी, ठीक है। हमारे पास दोनों के कंटेंट को हमें एक्सप्लेन करना है, हमारे पास जो कॉफी है वो ब्लैक कॉफी में भी अवेलेबल है मतलब लिस्ट विद इन अ लिस्ट। अब ये हमारे पास लिस्ट थी, उसके बाद हमारे पास उसके आगे भी एक डिस्क्रिप्शन लिस्ट थी उसको, ठीक है। अब उसके बाद फिर हमने टी के भी एक्सप्लेन किया, हमारे पास ग्रीन टी भी है, हमारे पास लिस्ट विद इन अ लिस्ट, ठीक है। अब हमने टी किया, उसके बाद हमने यूएल के टैग को दोबारा स्टार्ट किया, ठीक है, और हमने बताया कि हमारे पास एक टैग है हमारे पास ब्लैक कॉफी का, ठीक है। ब्लैक कॉफी को हमने ऐड किया, उसके बाद हमने टैग हमारे पास ग्रीन का एक हमारे पास ग्रीन कॉफी ग्रीन टी भी है, इन दोनों का टैग क्लोज किया। उसके बाद हमने यूएल लिया मतलब टैग है उसको क्लोज किया। उसके बाद लिस्ट वाला टैग है जो हमारे पास यहाँ से टी का स्टार्ट हो रहा है जो हमने टी के बाद उसको एक्सप्लेन किया हुआ तो हमने इसको क्लोज किया। उसके बाद हमने एक हमारे पास नया कंटेंट था मिले, अब ऑब्वियसली हमारे पास मिलेगी क्योंकि किस्म भी किया तो हमने उसको मतलब कि उसमें अगर आपके पास मिलेगी नहीं किस्म मतलब आपके पास अगर हॉट मिलेगा या कॉल मिलेगा तो आप उसकी भी आगे से इसी तरह आप उसको नेस्टेड लिस्ट के साथ उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब लिस्ट अगर आपके पास एक अगर आपके पास ऐसी लिस्ट है इसके पास आपके आप जिसमें आपके पास जो कंटेंट है उसके आगे फर्दर आगे आपके पास उस लिस्ट है तो आप उसके लिए नेस्टेड लिस्ट को यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के बाद आज का एक्स्ट्रा कर लेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।